इधर कुछ नहीं हुआ पे। चलो अपने को नीचे जाने का है अभी। हाँ हाँ वो बोल रहा हूँ, इधर कहाँ पे जा रहा है वो बटन पे। हम तीनों ही नीचे उतर रहे हैं, थोड़ा हम नीचे बाहर जा रहे हैं, कुछ खाने का मन कर रहा है। नहीं जी, खाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं। मेरा मन कर रहा है, फर्क नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, लेकिन मेरा थोड़ा कुछ मन कर रहा है खाने और का नीचे। इंसान भी खाना खाया है। और नीचे हवा भी बहुत अच्छी है, तो हमने सोचा थोड़ा ही कैसे ही राउंड मार के आते हैं। चलिए जाते हैं इधर। इधर तो पूरा लिफ्ट को ही दिख रहा है कि कहाँ पे आए। तो हम आ गए अभी नीचे, और नीचे देखिए कितनी ठंडी हवा है। गर्मी में भी यहाँ पे ना इतनी यहाँ ठंडी पे। हवा है। मैं आप लोग को एक बार दिन में, कल ही हम बताएंगे, यहाँ पे जरा छोटे से ऐसे गार्डन बना हुआ है। अभी नहीं दिखेगा वो, अंधेरा है ना। बहुत ही सब बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। इंसान को नींद आई है क्या? जब हम गए थे यहाँ से तो ये कुछ भी नहीं बना था, अभी आए ना सब पार्किंग वगैरह गार्डन सब बन गए। हवा से ना वो सो जाएगा, उसको ऐसा लगेंगे कि गाड़ी पे बैठा है वो। उसको वैसी हवा आ रही है। मैंने पीना है, बस नीचे आना था इसलिए। हाँ। कौन सा ले रहे हो? टमाटर दो ले लेना। मिले थे हमें हमारे एक सब्सक्राइबर जिन्होंने ईजान इतना बड़ा चॉकलेट दिया है ईजान के लिए। बोलो ईजान थैंक यू, थैंक यू। और ईजान तो इतना खुश हो गया ना चॉकलेट देख के। आपने क्या लिया? ये ईजान का भाई है। हेलो अफान, अफान इजान सब हमारे घर में लास्ट में एन एन ये आ गया, और एक भाई जोहान। तो ये देखिए ये है असद, जो कि हमारा एक हाँ न्यू फ्रेंड भी है और हमारा सब्सक्राइबर भी है। और ये बोल रहा था कि इसके फैमिली वाले यकीन नहीं करते कि ये हमें हमसे मिला है, तो अभी ये वीडियो में भी देखेंगे तुझे। हाँ देखो यकीन करो। और अभी सबको दिखा ये वीडियो तू घर पे। हाँ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मेरी सहरी हो गई है, और देखिए इज़ान भी सहरी में हमारे साथ यहाँ पे उड़ गया है। और आज सहरी में मैंने रोटी और खीमा खाया, चाय भी हो गई, अभी बस अजान का वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे कैसा अजान की आवाज़ भी आती है, हमारे वहाँ पे ना मस्जिद थोड़ी दूर है तो हमें अजान की आवाज़ भी नहीं आती है, पर यहाँ पे मैं आपको सुनाऊँगा। मस्जिद बहुत पास में है, अजान की आवाज़ भी आती है। और अभी फरा अम्मी भाभी तीनों की सहरी चल रही है, तो ईजान को उन्होंने मुझे दिया है। आज बराबर ये रात में जल्दी भी सोया और सहरी में मेरे से पहले उठा फरा, और ये मुझे आके उठाया सहरी में आज, है ना मम्मा? हो गई ईजान की सहरी। चला इधर ईजान। यहाँ पे मेरे पास आते आते उधर गया। ओए चला रहे क्या? नमस्ते इज़ान, चलो चल। आराम आराम से, आराम से। गए 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 आप। मॉर्निंग एवरीवन, नमाज हो गई है और सुबह की मॉर्निंग व्यू देखे यहाँ सुबह का, और इतना ठंडा क्लाइमेट है ना। तो चलिए गाइस अभी नींद आ रही है मुझे, तो सोते हैं और जोहर की नमाज से पहले पहले हम उठेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी के रोज़े कैसे जा रहे हैं बताना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। और पीछे देखे फरहान, अभी ये जैस ये जो ड्रेस है ना, अभी उन्होंने प्रेस करके रखा है। आई थिंक वो हाँ हम यही पहन रहे हैं, अभी प्रेस किया होंगे तो यही पहन रहे ना। और कल जब हम यहाँ पे आ रहे थे ना, तो फरा ने बहुत सारे ड्रेस निकाले थे, निकाल के उन्होंने ना रूम में बेड पे रखे थे, तो मुझे लगा कि वो ना जो कपड़े धो के घड़ी करके रखते हैं ना, तो मुझे लगा था वो निकाल के उन्होंने रखा, तो मैंने वापस से पूरे कबड़ में रख दिया था। फिर वो बाद में आके ढूंढे, बोला कि कपड़े कहाँ है, बोला कबड़ में रख दिया। मुझे क्या पता कि उन्होंने यहाँ पे आने के लिए वो निकाला था। तो ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो अभी 5:15 बज रहे हैं, तो जब तक हम थोड़ी कुरान की तिलावत करेंगे, फिर असर की नमाज़ होगी, फिर उसके बाद देखते हैं कि इफ्तारी में आज क्या बन रहा है। यहाँ पर तो मैं नहीं ले सकता वीडियो इफ्तारी का, वो फरा आपको आगे बता देंगे। तो देखिए आज इज़ान कहाँ पे सोया है, माशाल्लाह से उसके लिए ऐसी झोली बांधे गैलरी में, और बहुत अच्छी हवा भी आ रही है यहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो सोया है, नहा के जो सोया है, देखो अभी कितनी देर हो गई है, सोया ही है मस्त आराम से। अभी जस्ट असर की नमाज़ हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी हो गई है, और अभी तैयारी चल रही है
इफ्तार की। इफ्तार में आज बन रहे हैं शाबुदाने के वड़े और और अम्मी और हम सोचेंगे और अभी सोचेंगे। सोचने के लिए टाइम ही कहाँ है, अभी तो असर हो गई है। तो समीर भी अभी चले गए हैं नमाज को, और फिर इफ्तार के बाद मैं, समीर और ईजान ऐसे ही जाते एक राउंड घूम के आते। हाँ, जाते तुम लोग? ये देखिए ईजान भी बांधे है, बताया ना वो हमने बताया ना अम्मी अब्बा ने कैसे जुगाड़ करके बांधे यहाँ पे, ये पाइप को बांधे यहाँ पे, इसको बांधे, है ना ईजान बेबी। ये देखो कितना अच्छा, मैं आपकी मेहनत रंग लाई, वो बहुत देर तक सोया था। देखो अम्मी वो जो दिख रहे ना वो सब्सक्राइबर है, उन्होंने कल ईजान को चॉकलेट दिए थे जो गया अभी अंदर। हाँ कैडबरी दिए थे ईजान। चल उठ जा मम्मा, चल अभी शुशु करेंगे। चल आज कुछ काम नहीं है तो बहुत बोर हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है ना 5 जैसे बज जाते तो ऐसे मैं काम में लग जाती हूँ। यहाँ पे अम्मी और भाभी कर रहे, मैं बोल रही कि मैं करती लेकिन कुछ करने ही नहीं देते ये लोग ना। इधर आई ना तो बस बोलते बैठी रहे तू उधर बहुत करती है, इसके लिए फिर करने ही नहीं देते मुझे। भाभी भी नहीं करने देते, अम्मी भी नहीं करने देते, तो फिर अभी बैठी हूँ, देखते अभी कुछ होगा तो करते। देखिए ईजान कैसे नानी के पास जा रहा है अपने। ईजान फिसल रहा है ना, तो यहाँ पे फिसल रहा है ना, फिर क्यों जा रहे उसमें हाथ डाल रहे ऐसे करता हूँ। तो ये क्या शाबुदाने के वड़े की तैयारी हो रही है। बहुत डरने वाला तू, हाँ बहुत डरने वाला बच्चा है ना तू, बहुत डरने वाला बच्चा है। जा चल कार्टून लेके भाई, वो तो तू खाएगा। ईजान 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 गोलू गोलू है, खाएगा नानी का गोलू है वो। तू गोलू है मेरा, रोजा रखती थी तो आप शाबुदाने के वड़े ही बनाने बनती थी ना, मैं तेरी फेवरेट डिश है ना, इसके लिए बना रहा ना। और अभी ना नया क्या सीखा इसने मालूम क्या अम्मी, प्याज के छिलटे खा रहा। हाँ किधर जाने का ईजान घूमने के लिए, किधर जाने का देखो, किधर लेके जाओ, बोल बोल बोलो। मैंने भी बनाई थी बहुत अच्छी बनाई थी, तेरे अच्छे ही बने रहे क्यों पता नहीं मुझे। तो ये वड़े रेडी हो गए हैं और यहाँ पे हो रहा है तेल गरम, इसमें पुलाव बन रहा है। वेरी गुड अम्मी, आप तो मास्टर शेफ हो, इतने रोजे की हालत में भी आप इतना काम करते हैं माशाल्लाह। पूरा घर का काम अम्मी ही करते हैं। नहीं सचित लगेगा, मेरे बाबा मेरे भाभी करते हैं। समीर आ गए और ये देखो इफ्तारी भी हो गई है, नमाज भी हो गई। ईजान को लेके यहाँ पे बैठी थी थोड़ी देर, वो खेल रहा था, उसने ना अभी ये प्लग्स जो है ना उसका स्विच के तरफ हाथ जाता है ना तो बार बार ऐसे हाथे मारता है वो। तो चलो देखते हैं समीर और ईजान कहाँ पे गए। ईजान जैसे ही समीर को देखा ना फटाफट कैसे भागते गया, देखे ना आप लोग ने, अटैच्ड हो चुका है वो अपने अब्बू से। सो अभी क्या था आज, दाल चा मजे पुलाव था और आज दालचा था, मैं और अब्बा खा के आए, अच्छा भी था। अच्छा ऐसे भी मैंने बोला ना मस्जिद का अच्छा ही रहता है। अच्छा रहता है क्योंकि वो अच्छी नियत से पकाया जाता है ना, और रोजदारों के लिए होता है, और जो पकाते वो खुद भी रोजदार रहते हैं तो खाना अलग ही होता है। अपने घर में भी पुलाव है आज। तो अभी मैं चाय आज बाहर से नहीं पी के आया, मैं सोचा चाय फरा के हाथ की पीते है, फरा के हाथ की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे भी मेरे हाथ की चाय है, यहाँ पे भाभी के हाथ की पियो। नहीं नहीं आपके हाथ की बनो। तो अभी फरा को मैंने भेज दिया कि फरा के हाथ की चाय पी ली। एक्चुअली मैं बाहर जाने वाला था लेकिन दूसरा एक काम आ गया तो मैं डायरेक्ट मस्जिद से खाना खा के घर पे आ गया,
वरना मैं बाहर जाके चाय पी के ही आता था, लेकिन आज मुझे फरा के हाथ की चाय पीने का मन कर रहा था, ऐसे बोल के ना उनको भेज डाला मैंने चाय बनाने के लिए। ऐसे बोलते हैं ना तो वो प्यार से बना के लाते हैं, पहले नहीं नहीं बोल रहे थे, जैसे बोला ना आपके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है तो गए, मैं तो बोल रहे थे अम्मी है भाभी है बना के देंगे, बोला नहीं मुझे आपके हाथ की ही चाय चाहिए। और ये देखे आज देख रहा नहीं है ईजान, क्या हुआ नीचे गाड़ी वगैरह जा रहे हैं ना उसको देख रहे हो, हाँ खाना खाया आपने, ईजान की इफ्तारी हो गई हमारे, हाँ जैसे मैं आया नमाज पढ़ के देखे ना कैसे आया मेरे पास भाग के। अभी ईजान को मैं अगर थोड़ी देर भी नहीं दिखा ना तो मुझे ढूंढता है, और अभी कैसे हो रहा पता है कि अगर मैं कभी बाहर जाने लगा ना तो ईजान मेरे पीछे आ रहा है रो रहा है, ताकि उसको भी मेरे साथ आना है अभी नीचे, है ना। अभी असर की नमाज को भी जा रहा था ना तब भी वो मेरे पीछे ही लग रहा था, क्या हुआ ईजान को क्या हुआ हुँ? तो चलिए अब चलिए अम्मी को कॉल करते हैं, पूछते हैं उनका रोज़ा कैसे गया, इफ्तारी वगैरह कैसे हुई, उनको मैं अभी ही बात करता हूँ नमाज के बाद, तो लगा के उनसे बात करते हैं जब तक हमारी चाय भी आ जाएंगी। ये देखो फरा अभी किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं पता नहीं, तो चलिए अभी चाय पीते हैं और अभी नीचे जाएंगे। फिर क्या बोले ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद नहीं तरावी की नमाज, बहुत टाइम हो जाएगा, मगरिब की नमाज तो अभी ही जाएंगे वरना बहुत टाइम हो जाएगा पता है ना। तो ये वीडियो अच्छा, तो मेरी चाय भी अभी हो गई है और अभी हम नीचे जा रहे हैं, तो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।